अलकम ऑल टीयर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब जी बच्चे पी एम एस अनाउंस कर दिया गया है कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्रॉम पी पी एस सी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से पी एम एस ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर के कैंडिडेट्स के लिए अनाउंस कर दिया गया है इस पी एम एस का नाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है लेकिन ये है ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर के लिए इसलिए ये कन्फ्यूजन आप अपनी दूर कर लें सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का एज के हवाले से और क्वालिफिकेशन के हवाले से क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है अगर आपने बीए किया है तो आप पीएमएस कर सकते हैं पीएमएस दे सकते हैं ये कंपिटिटिव एग्जाम है और इसके लिए मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं अब भी तो आपके पास टाइम समझे कि बहुत मिनिमम रह गया है और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास टू टू थ्री मंथ्स ही रह गए हैं क्योंकि अब आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं ना तो आ, वैसे तो दो माह आप काउंट करें लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि आपके पास टाइम है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ थ्री मंथ्स रह गए हैं अब बात आ जाती है ऐज की एज रिलैक्सेशन ऐज के हवाले से मैं आपको ये कहूँगी कि जिन्होंने पीएमएस करना है ठीक है और जो 1993 थ्री में पैदा हुए हैं उनके हवाले से मैं एक अच्छी खबर ये दे रही हूँ कि 1993 थ्री में पैदा होने वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको वन ईयर एज रिलैक्सेशन पीएमएस में दी गई है ठीक है ये तो आ, दो न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं पी एम एस एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसकी आम तैयारी नहीं होती सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छे होना चाहिए आपका मेरा जो ऑनलाइन सेशन है उसकी मैं हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की क्लासेस की डेट इज़ द पेड क्लासेस ग्रोप आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना है और रिसेंटली अभी पी का जो रिज़ल्ट है लेक्चर का मेरे स्टूडेंट्स ने क्वालीफाई किया वो रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी मेरे अलहमदल्ला मेरे अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैरेंटिड क्वालिफाई करते हैं सो so, आप सब्जेक्ट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं uh, सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो सिक्स uh, सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश शेषी प्रेसी उर्दू इस्लामिक स्टडीज़ पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जनरल नॉलेज का आपका पेपर है ना इसमें आपकी जीरो पॉइंट टू फाइव के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगी इसलिए इस सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर आप अपना जी के का ही समझ लें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी और फिर बात आ जाती है सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स में विद सेशन रेकमेंड करती हूँ आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना हुआ डू कॉन्टेक्ट मी इन इन बॉक्स और स्मार्ट सेशन मेरा चल रहा है उसके अलावा पी एम एस के अलावा नीचे बहुत सी सीट्स हैं बी एस ट्वेंटी की ठीक है यानी जो बीसवें स्केल की नौकरियाँ हैं फिर उसके बाद भी एम बी बी एस वालों के लिए सीट्स हैं सारी सीट्स एम बी बी एस वालों के लिए हैं लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख लेती हूँ बी जी मास्टर्स सेकेंड डिविशन जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन और पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री उर्दू वाले भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और ये ऑल पंजाबी सी सीट्स हैं मेल फीमेल हैं इनमें एज लैक्सीन मेल के लिए फोटी और फीमेल के लिए फोर्टी थ्री बहुत ज़्यादा अच्छी रखी गई है ठीक है तो आप इनमें लाजमी अप्लाई करें आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं टू ईयर एक्सपीरियंस भी इन्होंने काउंट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब आपका इस सब्जेक्ट में क्या आपने कोई जॉब वगैरह की हुई है अच्छा उसके बाद है बैचलर्स सेकेंड विजन अगर आपने किया हुआ है टाइपिंग आती है तो आप ये आ, स्टेनोग्राफर की टू सेवेंटी सेवन बहुत ज़्यादा सीट्स हैं इन पर लास्ट में अप्लाई करें ये भी बहुत अच्छी सीट्स हैं बी ए वालों के लिए हैं और फिर एम uh, ए फिज़िकल एजुकेशन वालों के लिए मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है इंटरनेशनल प्लेयर सेलेक्टेड रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं पी के अप्लाई करने की लास्ट डेट है ट्वेंटी सिक्स फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड द टाइम इज वेरी मिनिमम यू जस्ट हैव टू अवेल दिस चांस एंड अवेल दिस ऑफर एंड इट्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू सो मस्ट अप्लाई फॉर पी एम एस पी एम एस सी एस एस से आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक तो आपका जो एक क्राइटेरिया है मैं आपको गाइड कर देती हूँ पी एम एस में कोई एम पी टी या स्क्रीनिंग का चक्कर नहीं होता आप डायरेक्ट रिटर्न के लिए एलिजिबल होते हैं डायरेक्ट रिटर्न देते हैं और पी एम एस जो है कंपिटिटिव एग्ज़ाम है इस जब आप इसे क्वालिफ़ाई करते हैं आपको हायर ग्रेड ऑफिसर की सीट दी जाती है घर गाड़ी और दूसरी मरात आपको जब सेलेक्ट कर लिया जाता है ट्रेनिंग के बाद दी जाती है और पी एम एस की अटैम क्लास में दें क्योंकि इसमें एज लिमिट है अब आप तो को पता चल गया होगा कि एज लिमिट क्या है और जब आपके हाथ से चांस निकल जाता है ना कि हम पी एम एस कर लेते हैं काश सी एस एस कर लेते तो इस काश वर्ड से आप बचें और पी एम एस के अटैम्प्ट लाजमी दें क्योंकि ऐसे चांसेस ज़िंदगी में बार बार नहीं आते बार बार आपको चांसेस नहीं मिलते सो डू अवेल दिस चांस और पी एम एस का एग्ज़ाम जो है वो लाजमी दें और पी एम एस के लिए लाजमी अप्लाई करें और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कहे थे नहीं पी एम एस तो नहीं आता पी एम एस प्राइवेट नहीं कर सकते ब्ला बला बला तो उनके लिए ये एक एडवर्टाइजमेंट ही इस चीज़ का जॉब है कि पी एम एस हर साल आता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में लास्ट ईयर पेपर हुए थे पीएमएस के ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पीएमएस था वो और ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में आया है और इसके आप देख सकते हैं कि इसका एडवरटाइजमेंट अभी फेबररी में ही आ गया है वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि मार्च में फाइनलाइज़ होगा लेकिन ये पहले ही फाइनलाइज़ हो गया अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए टाइम की अगर बात करें तो टाइम इज़ वेरी लिमिटेड टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और अभी मैं जो सेशन है मेरा स्मार्ट गेस्ट सेशन में स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रही हूँ और आप में से भी जिस पेरेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्मार्ट गेस्ट सेशन के लिए इन हो जाइए पी के जो सेशन है वो मेरे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप क्लासेस ग्रुप्स हैं ठीक है थीके? और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू मीडियम तो आपने में से जो भी स्टूडेंट्स इन होना चाहते हैं वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स हैं ठीक है और चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन है इंग्लिश प्रेस कम्पोजिशन है इंग्लिश ऐसे है इस्लामियात है करंट अफेयर है पाकिस्तान अफेयर है इंग्लिश मीडियम है उर्दू मीडियम है ऐसे राइटिंग है ये तमाम क्लासेस है, ग्रुप हैं ग्रुप्स हैं और आप देख सकते हैं सोशल वर्क के नाम से ग्रुप है लेकिन ये उर्दू मीडियम पी एम एस उर्दू मीडियम ग्रुप है ठीक है इसका नाम मैं इंशाल्लाह एडिट कर दूंगी लेकिन ये जस्ट आपके साथ हाईलाइट शेयर की जा रही है कि अगर तो आपने पी एम एस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ अवेलेबल एंड यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो कर दिया गया है सो पी एम एस की ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आप जॉइन कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन एंड इट्स द गेस्ट सेशन और मेरे गैस अलमदिल्ला गारंटिड होते हैं चाहे वो सी एस एस एम पी टी हो सी एस एस रिटर्न एग्ज़ाम हो या पी एम एस एग्जाम हो सो स्टे कनेक्टिव में सलीम को इजाजत दीजिए जजाक है और एक और चीज़ आपके साथ लास्ट रह गई है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ सो so, uh, ये है मेरा एफ पी पेड सी एस एस एग्ज़ाम प्रपरेशन के नाम से यहाँ पर मेरे पी पी एस सी लेक्चर क्वालिफ़ायर्स जो हैं उनके रिव्यूज़ और उनके रिज़ल्ट अवेलेबल हैं आप विज़िट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स गारंटेड क्वालीफाई करते हैं एक और चीज़ जो मैं आपसे रही करी एंड इट्स द रिज़ल्ट सी एस उसके लिए भी रिव्यूज़ और जो आ, मतलब जो रिव्यूज़ थे और रिज़ल्ट थे स्टूडेंट्स के वो मैंने अपडेट किए मैं टेक केयर ऑफ इल फाफिज